हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी 11X 5G फ़ोन में आप लोग कॉल नॉट सेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो है कॉल जो है वो सेंट नहीं हो रहा है, कॉल यहाँ पर आप लोग जो है कर नहीं पा रहे हो, कॉल सेंट नहीं हो रहा है, तो अगर आपके फ़ोन में भी गाइस कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को एरोप्लेन मोड का। तो अगर आपके फ़ोन में जो है एरोप्लेन मोड ऑन होगा तब भी आपके फ़ोन में कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो ये एरोप्लेन मोड जो है बहुत ही इजी जगह पे है गाइस, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी जगह पे एरोप्लेन मोड दिया गया है। तो यहाँ पर से कोई भी एरोप्लेन मोड को ऑन कर सकता है। तो इस एरोप्लेन मोड को आप लोगों को सबसे पहले चेक कर लेना है। एरोप्लेन मोड ऑन होने से यहाँ पर देख सकते बैटरी के साइड में यहाँ पर एक एरोप्लेन का लोगो देखने को मिलेगा। तो इस लोगो को देख के आप लोग जान सकते हो कि गाइस आपका जो एरोप्लेन मोड है वो ऑन है कि नहीं। अगर एरोप्लेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर से आप लोग एरोप्लेन मोड को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करते ही आप लोगों का जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है गाइस तो मैं आप लोगों को और कुछ सेटिंग्स यहाँ पर से बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर उसके बाद जो है आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते गाइस दो सिम देखने को मिलेंगे आपको। तो फिलहाल मेरे फ़ोन में गाइस एक ही सिम है। अगर आपके फ़ोन में दो सिम हो तो जिस भी सिम में जो है आप लोगों को कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है आप लोगों को उस सिम पर कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वोल्टी कॉल्स का। तो अगर आपके फ़ोन में जो है ये वोल्टी कॉल्स का ऑप्शन ऑफ होगा तब भी आपके फ़ोन में कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस वोल्टी कॉल्स के ऑप्शन को जो है हमेशा ऑन करके रखना है, क्योंकि गाइस ये ऑन रहने से आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपका जो कॉल का जो वॉइस क्वालिटी है, आवाज़ है, वो भी यहाँ पर से इंक्रीज हो जाता है ये ऑन होने से। उसके बाद जो आप लोगों का कम्युनिकेशन क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इस फॉल्टी कॉल्स को हमेशा ऑन करके रखना है। उसके नीचे देख सकते हैं गाइस एक ऑप्शन है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का। तो इस प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के ऑप्शन पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में जो है ये 2G ओनली पे सेट होगा तब भी आपके फ़ोन में कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को जो आप लोगों को हमेशा मैक्स सेटिंग्स में रखना है। अगर आपके फ़ोन में 5G सपोर्ट करता है तो 5G में सेट कर लीजिए गाइस। तो मेरे फ़ोन में देख सकते 4G लिखा हुआ है, मेरा फ़ोन वैसे 5G है लेकिन यहाँ पर मेरा जो सिम है वो 4G है, BSNL का सिम है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते 4G ही यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है BSNL के सिम में। तो यहाँ पर मैं 4G पे क्लिक कर दूंगा। 4G पे क्लिक करते ही मतलब मैक सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके नीचे देख सकते गाइस एक एक्सेस पॉइंट नेम्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसको गाइस शॉर्ट फॉर्म में APN सेटिंग्स भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर APN सेटिंग को जो है आप लोगों को रीसेट करना होगा। रीसेट करने के लिए देख सकते ऊपर की तरफ एक 3-डॉट ऑप्शन है। तो इस 3-डॉट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट्स का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रेड कलर का एक ऑप्शन आएगा गाइस रीसेट एक्सेस पॉइंट्स का। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर जो आप लोगों का APN सेटिंग होगा वो रीसेट हो जाएगा और APN सेटिंग रीसेट होने के बाद आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद सेटिंग्स में आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का। तो इस एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। एडिशनल सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे देख सकते हैं गाइस एकदम लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का। तो इस बैकअप एंड रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा गाइस, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देख सकते एक ऑप्शन होगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का। तो इस रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स में हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नीचे एक रेड कलर का लिखा हुआ आएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर से आप लोगों का जो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग होता है वो यहाँ पर से रीसेट हो जाएगा। और मोबाइल नेटवर्क सेटिंग रीसेट होने के बाद आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो भी गाइस 100% सॉल्व हो ही जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी 11X 5G फ़ोन में कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।